हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है, इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल्स में से एक, मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन, 5 स्टेप एक्टिविटी बेस्ड मेथड, प्ले वे और एक्टिविटीज के जरिए तालीम दी जाती है, लड़कियों के लिए अलहदा फैसिलिटी, अब हैवी बैग्स उठाने की जरूरत नहीं, हर स्टूडेंट्स के लिए अलहदा लॉकर फैसिलिटी, लाइफ स्किल्स एजुकेशन के जरिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीचर्स के लिए लेसन प्लान्स लाजमी। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पर अपनी मुआफी की पॉलिसी के तहत बिल्किस बानो केस में सजा याफ्ता 11 अफराद को रिहा करने पर तनकीद की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने कहा कि कसूरवारों जो उस वक्त के पड़ोसी थे, उन्होंने मोहतरमा बानो के साथ ज्यादती की जो उस वक्त हामिला थी और उनके 4 रिश्तेदारों को भी ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया था। जनाब अवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत की है कि वो मीरठ की बुनियाद पर रिहाई की दरख्वास्तों का फैसला करे, ताहम उन्होंने निशानदेही की कि अदालती उज्मा ने उनकी रिहाई का हुक्म नहीं दिया था। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज से यह खसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए A18 तेलंगाना न्यूज को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अरे कि ये आपका अमृत उत्सव है क्या कि जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया, बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने जो उसको जानते थे, बिल्किस बानो जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका बारी बारी से 11 लोगों ने उसका रेप किया, उसके सामने उसके 3.5 साल की बच्ची के सर को पत्थर पर मारकर उसको कत्ल कर दिया और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थी उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया। और ये तमाम के तमाम करने वाले बिल्किस बानो के पड़ोसी थे, बल्कि जब बिल्किस बानो का रेप हो रहा था तो जो बिल्किस बानो अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी वो अपने पड़ोसी की दुकान से खरीदी हुई चूड़ियाँ थी और बिल्किस बानो को बॉम्बे हाईकोर्ट में वहाँ पर सजा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइव कर चुके थे कि उसके साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया, ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के? अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है, गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है, गोधरा के लोग 19 साल से जेल में है, छोड़िए ना इनको भी आप। जो भी डिसीशन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है और कंप्लीटली बायस्ड होकर लेती है। यकीनन CRPC में प्रोविजन है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे हीनियस क्राइम के लिए, और वो भी आज़ादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल की आज़ादी, और खुद प्रधानमंत्री का लाल किले से खड़े होकर महिलाओं के बारे में, नारी के उसको पावरफुल करने की बातें करते हैं और ये काम होता है, हम इसका कंडेम करते हैं और देश देख रहा है कि BJP सिर्फ जबानी तौर पर महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की स्ट्रेंथनिंग की बात करती है, मगर जहां पर बात आती है मुस्लिम महिलाओं की आप भूल जाते हैं उनको। ये आपकी मोहब्बत है और रक्षाबंधन के दिन तमाम भाजपा के लोग मुस्लिम खवातीन को बुरखा में, हिजाब में बुला बुला कर अपने हाथों पर राखी बना रहे थे। बिल्किस बानो क्या तुम्हारी बेटी बहन नहीं थी, तुम्हारी बेटी नहीं थी कि एक महिला प्रेग्नेंट है, 3.5 साल की बेटी उसके सामने हत्या कर दी गई और उन हथियारों को आप छोड़ देते हैं, तो छोड़िए ना फिर आप। गोधरा के लोग भी जेल में हैं, रुबीना मेमन भी 17 साल से जेल में है, जबकि गाड़ी तो उसके नाम पर भी नहीं थी।
आपका सीरियल ब्लास्ट है वडोदरा सीरियल, वो भी जेल में छोड़िए उनको भी आप, मगर आप सिर्फ एक समुदाय के लिए आप बायस्ड हैं बस, ये भाजपा की असल असलियत है। सर मुजफ्फरनगर में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई, हिंदू महासभा ने तिरंगा यात्रा निकाली, उसमें नाथूराम गोडसे की तस्वीर के साथ उस यात्रा को निकाला गया, तो योगी सरकार उसका परमिशन दी है।